बड़े से जंगल में सब पक्षी बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। टुनटुनी, कबूतर, कबूतरी और पतलू एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि टुनटुनी सब पक्षियों से कहती है, दोस्तों आज सुबह बुलबुल बहन आई थी, वो मेरे पास और बता कर गई है कि आज शाम हम सब पक्षियों की उनके घर पर दावत है। दावत? फिर तो बहुत मजा आने वाला है। टुनटुनी, क्या बना रही है बुलबुल बहन आज हमारे लिए? पहले पतलू पूरी बात सुन तो लो, तुम्हारे तो मुंह में अभी से पानी आने लगा है। बुलबुल दीदी बता कर गई हैं कि वो हमारे लिए बहुत मज़ेदार खीर बना रही हैं, जिसमें वो मीठे मीठे और रसीले फल भी डालेंगी। अब तो जल्दी से शाम हो जाए, मुझसे तो और इंतज़ार नहीं हो रहा। फिर ऐसे ही वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सुंदरी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शाम को बुलबुल बहन के यहाँ दावत पर जाना है। दावत? कैसी दावत? आज शाम बुलबुल बहन ने अपने घर सब पक्षियों को दावत दी है और वो हमारे लिए मज़ेदार खीर तैयार कर रही हैं। फिर तो मैं आज शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ ये सूखे सूखे दाने खाकर। टुनटुनी बहन, चले फिर बुलबुल दीदी के घर, अब तो शाम भी होने वाली है। जाकर थोड़ी गप्पे लगाएंगे और तब तक बुलबुल दीदी खीर तैयार कर लेंगी। हाँ, जाते हुए कबूतर को भी साथ ले जाते हैं, वो भी हमारा ही इंतजार कर रहा होगा। क्या करूं, पतलू और सुंदरी को भी साथ लेकर जाना है। पतलू की फिक्र ना करें, वो हम सबसे पहले ही पहुंच गया होगा, उसके मुंह में तो सुबह से ही पानी आ रहा है। फिर टुनटुनी और कबूतरी वहां से चली जाती हैं। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, मुझे तो भूख भी जोरों की लगी हुई है। कबूतरी बहन, बुलबुल दीदी की खीर बहुत मज़ेदार होती है, मैंने एक दफ़ा खाई थी, अब तक स्वाद याद है मुझे। फिर कबूतरी, कबूतर और टुनटुनी बुलबुल दीदी के घर की तरफ चले जाते हैं। पतलू और सुंदरी तो पहले ही पहुंच चुके थे। आओ आओ पक्षियों, अभी बना रही हैं बुलबुल बहन खीर, हम तब तक बैठकर बातें करते हैं। और कबूतर, तुम ऐसे ही आ गए, जरा मुंह तो धो लेते, कैसे तुम्हारी आंखें गंदी लग रही हैं। जितनी तुम काली हो, तुम्हारा दिल भी इतना ही काला है, हमेशा मेरी ही आंखों के पीछे पड़ी रहती हो। कबूतर भैया, मुझे तो सुंदरी और पतलू की ये शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। बुलबुल दीदी, इनका घर आपसे थोड़ा दूर है ना, इसलिए हमारे पास रहते हैं ये। हमसे पूछो, कोई भी खाने की चीज़ अपने घोंसले में रखकर बाहर भी नहीं जा सकते। कबूतर, अब ऐसे भी ना कहो, अब तो चोरियाँ हमने छोड़ दी हैं। अच्छा, अब बातें छोड़ो, हमारी खीर पक चुकी है। खीर की खुशबू तो सबके मन में उतर रही थी, सब पक्षियों के मुंह में पानी आ रहा था। ये दावत मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल होने की खुशी में रखी है। फिर बुलबुल सबको खीर देती है। बुलबुल दीदी, मुझे ना थोड़ी ज़्यादा डाल देना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम क्या मेरी तरफ देखे जा रहे हो कबूतर? खीर मेरी बुलबुल बहन ने बनाई है, तुमने तो नहीं बनाई, जो मुझे ऐसे घूर रहे हो। और फिर ऐसे सब पक्षी वो मज़ेदार खीर खा लेते हैं। वाह बुलबुल बहन, ऐसी मज़ेदार खीर तो पहली बार खाई, आज तो मज़ा आ गया मुझे, अब नींद आने लगी है। चलो अभी दोस्तों अपने अपने घर चलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे घर में आए। ये तो आपका प्यार है बुलबुल बहन, जो इतने प्यार से हमें बुलाया। कोई बात नहीं बुलबुल बहन, जब भी आपका मन करे तो खीर बनाकर बुला लेना, मैं तो थोड़ी चली आऊँगी।
फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी बहन, आज शाम को मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बहन जी के लिए क्या बनाऊँ जो मेरी बहन जी खुश हो जाए। कबूतर भैया, क्यों ना हम बहन जी के लिए खीर। मेरी बहन को तो खीर बहुत पसंद है। हम ऐसा करते हैं, कबूतरी को भी साथ मिला लेते हैं। ऐसे सब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा और फिर बहन जी के आने से पहले पहले खीर तैयार हो जाएगी। पतलू जी, मैं और टुनटुनी फल ढूंढ कर लाते हैं। आप और सुंदरी जाकर आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां ढूंढ लाओ। मगर खीर हमें भी मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि शाम को खीर हमें ना मिले। सुंदरी बहन, हम सब मिलकर खीर खाएंगे। कबूतर की बहन जी कौन सा सारी खीर खा जाएंगी। मैं जाती हूँ और पहाड़ों से वो जड़ी बूटियाँ लेकर आती हूँ जो खीर में डालनी है। फिर ऐसे वो सब अपना अपना काम करने चले जाते हैं। सुंदरी जाओ और तुम थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ ढूंढ लाओ, मुझे तो जोरों की नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूँ। मुझसे नहीं होती लकड़ियाँ, मुझे तो खुद बहुत नींद आ रही है। वो दोनों तो सो जाते हैं। कबूतर भैया, सेब भी मिल गया और केला भी और चावल भी और कुछ दालें भी। और कबूतरी वो जड़ी बूटियाँ भी ढूंढ लाएगी जिससे खीर का स्वाद ज्यादा अच्छा बनता है। कबूतर भैया बुलबुल दीदी से पूछ लें कि कौन सी जड़ी बूटी है खीर में डालनी। कबूतरी बहन बुलबुल से पूछ कर ही जाएगी। फिर टुनटुनी और कबूतर सारा सामान लेकर वापस आते हैं। मगर पतलू और सुंदरी तो सो रहे थे, वो तो लकड़ियां लाए ही नहीं थे। जब खाने का समय आएगा तो फिर तुम दोनों सबसे आगे आगे होगे और मेरी बहन भी आने ही वाली है, आप अभी तक लकड़ियां नहीं लाए। मेरे तो सर में चक्कर आ रहे थे इसलिए मैं तो सो गई। जो सुंदरी के साथ हुआ वही मेरे साथ भी हो रहा था, इसलिए मैं भी सो गया था। अब टुनटुनी आप लकड़ियां ले आए। टुनटुनी कबूतर की बात मान लेती है और लकड़ियां लेने चली जाती है। कबूतरी भी वो जड़ी बूटियां लेकर वापस आ जाती है। कबूतरी बहन बुलबुल से पूछ कर गई थी ना कौन सी जड़ी बूटियां डालनी है खीर में। मैंने बुलबुल दीदी से नहीं पूछा, मुझे तो वो जड़ी बूटी मेरे घर के पास ही मिल गई थी, चौड़े पत्तों वाली, इसलिए मैं वहीं से ले आई हूँ। टुनटुनी भी लकड़ियां लेकर आती है। फिर सब मिलकर आग जलाते हैं और खीर बनाना शुरू करते हैं। इसकी खुशबू तो बुलबुल बहन की खीर जैसी ही है, ये भी बहुत मज़ेदार होगी। सुंदरी ज़्यादा मुँह में पानी ला लाओ, मेरी बहन जी आ जाएंगी तो फिर सब मिलकर ही खाएंगे। हमें पता है, पता है। अच्छा, अब खीर पकने वाली है। कबूतरी बहन आप जाओ और बुलबुल बहन को भी बुला लो, क्या कहेंगी बेचारी कि सबने खीर खा ली और उसे बुलाया ही नहीं। जाओ कबूतरी बहन, कालू ठीक कह रहा है। कबूतरी बुलबुल को बुलाने चली जाती है। फिर सुंदरी कहती है, कबूतर बहन जी को कैसे पता चलेगा कि खीर मेरे घर बन रही है। आप और टुनटुनी जाएं और बहन को रास्ते में से इधर ले आएं, कैसे भूली फिरेगी हमारी बहन जी। आप खीर का ध्यान रखना, हम ऐसा ही करते हैं। फिर टुनटुनी और कबूतर भी वहां से चले जाते हैं। पतलू जी, तुम अगर शैतान हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। उसी समय समझ गई थी कि तुमने कबूतरी को बुलबुल को बुलाने क्यों भेजा है, इसलिए मैंने पागल कबूतर और टुनटुनी को भी भेज दिया। तो फिर शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो खीर खाना शुरू करते हैं। क्या क्या कबूतरी,
आप अपने घर के पास ही चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटी ले गई थी खीर का मजा बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ बुलबुल दीदी, मगर कबूतरी वो जड़ी बूटी तो खाने से सारे पंख सफेद हो जाते हैं, वो तो जहरीली जड़ी बूटी के पत्ते हैं। अब जल्दी से चलो, कहीं कोई खा ना ले वो खीर। फिर कबूतरी और बुलबुल जल्दी जल्दी से वहाँ से जाती हैं। रास्ते में उन्हें टुनटुनी और कबूतर भी मिल जाते हैं। टुनटुनी और कबूतर, कहीं आपने वो खीर खाई तो नहीं? नहीं कबूतरी बहन, आप और बुलबुल बहन इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कबूतरी गलत जड़ी बूटी के पत्ते ले गई थी, वो पत्ते खाने से तो पक्षियों के बाल सफेद हो जाते हैं। तो फिर जल्दी चलो, कहीं वो लालची पतलू और सुंदरी ही ना खा ले। पतलू जी, ये मेरे पंख कैसे सफेद हो गए? ये क्या मिलाया हुआ था गंदे कबूतर ने खीर में? सुंदरी, हम तो बहुत बुरे लग रहे हैं, अब तो सब पक्षी हम पर हंसेंगे। ऐसे ही सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं, इससे पहले कि वो गुस्सा करते, वो तो सुंदरी और पतलू को देखते ही हंसते ही जा रहे थे। अच्छा ही हुआ सुंदरी और पतलू, जो तुमने ये खीर चट कर दी और इतने सुंदर बन गए। मगर आज तो सुंदरी कबूतर से नजरें नहीं मिला पा रही थी और सब पक्षी उन पर हंस रहे थे।